हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक कंपटीशन। हाउ आर यू गाइस? सो कुछ मैसेजेस मिले थे जिसमें उन्होंने मुझे कुछ एस्पिरेंट्स ने मुझे स्पीड मैथ्स पे वीडियो बनाने को बोला था कि कैसे मैंने अपनी स्पीड मैथ को इंक्रीज किया है, कैसे मैं इजीली हर मॉक टेस्ट में या फिर रियल एग्जाम में 30+ मार्क्स गेन कर लेती हूँ मैथ्स में। ओके, सो ओनली वीडियोज देखने से अपन सोच लेते हैं कि यार चलो मुझे ये मेथड समझ आ गया है, तो नहीं, रियल एग्जाम में आपसे कुछ बनेगा ही नहीं। जब तक खुद की सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये मेरी नोटबुक है, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है गाइस, स्क्वेयर। ये भी मैं नोट करके फिर लर्न करती थी। ये मेरी फर्स्ट नोटबुक है जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी गाइस। देखो, 1 से लेके इसमें तो ओनली 30 तक था ना, ये 40 तक है, सॉरी 40 तक था, लेकिन मैंने ऐसे धीरे 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 करते करते टिप्स पे स्क्वेयर्स को 120 तक मैंने उसको याद कर लिया था नोट कर करके। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, 40 तक किया, फिर मैंने रिपीट किया। तब स्टार्टिंग थी तो इतना पता नहीं था, तब इतना गैप दे दे के लाइक एज अ स्कूल स्टूडेंट की तरह, लेकिन बाद में समझ आया नहीं यार खुद की ही मनी लग रही है ना, तो बहुत बाद में तो बहुत ध्यान दिया। ये देख सकते हो आप, इसको मैं ऐसे नोट करती थी। अभी 40 तक ही चल रहा है। ओके, अभी 40 तक ही मैंने इसको यहां तक लर्न किया था। देन क्यूब की टर्न आई। क्यूब मैंने स्टार्टिंग में 15 तक की। ओके, इसको ऐसे ही नोट करती रही, आप लोग देख सकते हो। ओके, देन 15 तक क्यूब होने के बाद टेबल की टर्न आई। ये मेरा फर्स्ट था, टेबल की टर्न आई। टेबल अभी तक मैंने यहाँ पे 26 है। टेबल तो स्टार्टिंग से ही 40 की थी कि लर्न करने हैं, और मैं मैथ्स की स्टूडेंट रही हुई हूँ सो मुझे लर्न भी थे, सो 40 तक तो कंपलसरी हो जाते हैं। ओके, इस टाइप से ये देखो। फिर आई ट्रिक्स की टर्न कि कैसे मुझे 40 से आगे स्क्वेयर्स को लर्न करना है, सो मैं एक ट्रिक्स बनाती थी, इनको भी नोट करती थी। फिर क्यूब्स की टर्न आई, वही 15 तक थे। फिर टेबल, ओके, इस टाइप से स्क्वेयर्स। तो डेली के मैं 10 से 15 पेजेस फिल करती थी खुद से। ओके, इस टाइप से स्क्वेयर्स को जब आपको मैं बताती हूँ। ओके, 40 के बाद मैंने 50 तक करने स्टार्ट किए स्क्वेयर्स को। स्क्वेयर्स हैं, टेबल्स, क्यूब्स, ये तो डेली का था, नोट करने ही करने हैं खुद से। ये आगे की आगे गाइस, 50 तक करने के बाद मैंने 51 से स्टार्ट किया। 51, 110, 111, 140 तक भी लिखे मैंने, लेकिन मुझे, मैंने अब तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं आई थिंक 120 या 100 तक सफिशियंट हैं। लेकिन कोशिश रखो कि 120 तक अच्छे से लर्न हो जाएं, उसके आगे का इतना नहीं होता। फिर ट्रिक्स, गैप का, 10 के गैप का, ये मैं नोट करती थी लाइन वाइज। 11, 12, 12, 13, 13, 14, ये सब किए मैंने, बहुत टिप्स पे कर लिए थे। ओके, ये ऐसे ही, ये आप पूरी नोटबुक देखोगे ना गाइज, इन्हीं चीजों से फिल्ड है, ये देख सकते हो आप। सिर्फ एक ही नहीं, ये देखो ओनली इतनी मोटी, इस टाइप की मैंने एटलीस्ट मिनिमम मैंने 25 to 30 नोटबुक्स फिल की होंगी इन्हीं सब चीजों से, इन्हीं टब। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या डेली का इम्पोर्टेंट है करना। सो इसी टाइप से आप डेली का सोच लो कि 10 पेजेस कंप्लीट करने ही हैं आपने, ठीक है? किस किस चीज के, उसमें आप स्क्वेयर कर सकते हो, क्यूब्स कर सकते हो। ओके, ये जैसे मैंने गैप वाली मल्टीप्लिकेशन की है, एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आप कर सकते हो। इसी टाइप से आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, सिंप्लीफिकेशन के 15 to 20 क्वेश्चंस डेली डेली, ठीक है? अप्रोक्सी के 15 to 20 क्वेश्चंस डेली, क्वाड्रेटिक के 15 to 20 क्वेश्चन डेली,
और क्वाड्रेटिक में ओनली नॉर्मल वाले नहीं करने हैं आपको, रूट वाले भी। अगर आप 15 to 20 कर रहे हो तो 4 to 5 क्वेश्चन, आप 4 to 5 क्वेश्चंस रूट वाले कर सकते हो। कि इसका भी प्रीलिम्स में कभी कभार एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, अदरवाइज वैसे तो नॉर्मल ही मिलते हैं, उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो इतने डेली के करोगे ना आप, तो आपको जो उसके पेयर्स हैं देखते ही आइडिया हो जाएगा कि ये पेयर बनेगा। ओके सो ये तो आपको करने ही करने हैं। ये आपको 15 मार्क्स दे जाएंगे फ्री में, 15 मार्क्स आपको बहुत इजीली, बहुत जल्दी। 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के आप 2 मिनट, तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, आपको 1.5 मिनट में भी दे जाएंगे 5 के 5 मार्क्स। ओके सो इस टाइप से स्पीड मैथ्स आपकी इंक्रीज होगी, आपको नोट करना ही होगा। अगर आप इस टाइप से डेली के पेजेस भरोगे तो आपके टिप में, जैसे मेरे को टिप्स पे याद है स्क्वेयर्स क्यूब्स, वैसे ही आपको भी हो जाएंगे। तो आपको स्क्वेयर तो ओके 100 तक इनफ है, बाकी कोशिश रखना कि 120 तक आपको याद हो जाए, और क्यूब आपको 30 तक। वैसे तो 20 तक इनफ है, लेकिन कभी कभार आ जाता है ना एक क्वेश्चन, तो अपन को अगर इन इन 15 में भी अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे कर देगा। सो ये था गाइज, अगर आपको अच्छा लगा तो बताना, कुछ और पूछना हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज।